आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा जो कि देश के लिए कोई पदक ऐसा हासिल न कर सका हो, जब आप सम्मान में उस समय खड़े हुए हो, आपने उसका जश्न मनाया हो, और इसीलिए आज जब यहाँ पर सब बैठे हैं, आज जब सब विरोध कर रहे हैं केवल इस मांग को लेकर कि जांच हो, कम से कम जांच ईमानदार हो जाए, इससे ज्यादा कुछ चाहा था? नहीं, हमने जब स्टार्टिंग में यही था कि जो भी हमने जो बयान दिए हैं, यही था कि हमारी निष्पक्ष जांच हो, चाहे हम दोषी है तो हमें सजा दी जाए, वो दोषी है तो उनको तो सजा दी जाए, और आज भी हम इसीलिए बैठे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा मिले। इस दौरान जो खिलाड़ी जितने भी सबका, आप सबका चेहरा सामने आता रहा, आप सब आगे आए थे लड़ने के लिए, कुछ ऐसा लगा कि सबने कुछ पक्षपात हुआ हो आप लोगों की बातों को, आपको मतलब जो आपका रुतबा पहले था वैसे ही ट्रीट किया गया, या आपको लगा कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कुछ नुकसान हुआ? जी मैम, जो स्टार्टिंग में हम जब धरने पे बैठे थे, उसके बाद हमारे को सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उसके बाद हमने तो सरकार पे यकीन कर लिया, क्योंकि हम तो राजनीति से दूर, हमें तो खेलों का ही बस जो है नॉलेज है, राजनीति का पता नहीं। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे 3 महीने बाद ये बातें सामने आई कि भैया वो तो ब्रिजभूषण ने तो वापस से जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया अपने ही कार्यक्षेत्र में, खुद के कॉलेज में, और उल्टा हमारे को ही जो है जो झूठा साबित करना स्टार्ट कर दिया कि हम झूठे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक बात थी, जिस वजह से अब हम यहाँ पे अब आगे बैठे हैं। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है इस पूरे उसको, कि आप लोग के विरोध के पीछे कौन है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बेबुनियाद बातें, अपने आप को बचाव करने की बातें हैं। स्टिल स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लेके अभी तक हम किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहे, ना हम किसी पार्टी से, हम एक देश के खिलाड़ी हैं, मेडल जीत के आते हैं तो सब सम्मान करते हैं, रिसीव करने आते हैं, ऐसे अभी बुरे समय में कोई भी अगर हमें सपोर्ट करने आएगा तो हम मना नहीं करेंगे। पहली बार हमसे गलती हुई, हमने बोला कि हमें वो नहीं आना। आपको लग रहा है गलती हुई कि कहा कि मंच से? बिल्कुल, पहले धरने हमारा खराब हुआ और कईयों की बातों में आके हमारा माइंड मैनिपुलेट किया गया और पूरा धरना बिगड़ गया। बिना किसी की सलाह लिए हमने धरना खत्म कर दिया, सरकार पे विश्वास करके हमने अपना धरना खत्म किया, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने दोबारा ये धरना किया है। जैसे कि बताया कि झूठा साबित कर दिया हमें, हम कहीं भी जाते थे ना, हम ट्रेनिंग सेंटर पे गए सोनीपत, वो सब होने के बाद आप मानोगे नहीं, जो लड़कियां बच्चे और कोचिस थे ना, इतनी ऐसे इस नजर से देख रहे थे जैसे हम कोई गुनाह करके आए हैं, देशद्रोही की नजर से देखे, हमें ट्रेनिंग करना मुश्किल हो गया। मैं और विनेश ट्रेनिंग कर रहे थे मैट पे, सीनियर नेशनल कैंप चल रहा था, वहां हमारा दोनों का कैंप में नाम नहीं था, सीनियर नेशनल कैंप चल रहा था, हम दोनों को यूं भी नहीं टोका गया कि आओ ट्रेनिंग कर लो। ये वर्ल्ड मेडलिस्ट है 2 टाइम की, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट, लेकिन बुलाया नहीं गया हमें, क्योंकि सांसद को जीत ऐसा सबको लग गया था कि सांसद जीत चुका है, और रिपोर्ट के हिसाब से तो वो जीत ही चुके थे, इसलिए सबको ये हुआ कि ये झूठे हैं या किसी भी मजबूरी से हमारे आगे नहीं आ रहे थे, कि हमें तो बस अभी प्रेसिडेंट की साइड रहना है, हम इनसे बोलेंगे तो हम भी देशद्रोही साबित हो जाएंगे। तो बहुत गंदा ट्रीट हमें किया गया, हमें इतना बुरा फील करवाया गया। मेरा सिर्फ वापस धरने पे आने का ये रीजन था कि मैं ये कलंक सारी उम्र लेके नहीं रह सकती कि मैंने कुश्ती के साथ धोखा किया। मैंने 18 साल कुश्ती किया, हमेशा ईमानदारी से कुश्ती की, और ये नजर सब ये सहन करके नहीं रह सकती मैं कि इसने कुश्ती के साथ बुरा किया। तो बस इसी इंसाफ के लिए जो कास्ट एंगल एक दिया जा रहा है, पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, ये क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये सभी ध्यान भटकाने का काम है। हमारे जो खाप पंचायत सभी संगठन, चाहे वो किसान है, मजदूर है, सभी संगठन, वो सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जात का तो इसमें कोई मामला नहीं। अभी हमने दिखाया था 4 बच्चे भोपाल से आए हैं, 1 बच्चा MP से आया है, और छोटे छोटे बच्चे अपने लेके आए हुए सपोर्ट करने के लिए कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पहले ये ध्यान भटकाने के लिए इसको कभी जात पात बोल रहे हैं, कभी हरियाणा UP बोल रहे हैं। अभी ब्रॉड मांगे अगर मैं पूछूं आपकी, तो क्या जो अभी जो कंप्लेंट दी उस पर एक्शन हो, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब हम ये नहीं कि भाई, और जो फेडरेशन को जो जो चीजें चल रही हैं, सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, वो सभी लोग हटाए जाने चाहिए और एक नई बॉडी बनाई जानी चाहिए जो खिलाड़ी हो। पर बजन, आप भी जानते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो इंटरनेशनल जो कमिटी है, उसके कुछ मापदंड होते हैं कि हर फेडरेशन ऐसा होता है कि उसमें सरकारी दखलअंदाजी नहीं हो सकती है, नहीं चेंज किया जा सकता उसको, तो ये सोचते हुए भी आप? देखिए मैडम, IO के पास पूरी ताकत होती है, वो जब चाहे बॉडी को बदल सकती है, और ब्रिजभूषण को ये ताकत किसने दे दी? बहुत सारी स्टेट हैं जो उन्होंने जबरन, जैसे मैंने आप राकेश सेक्रेटरी का नाम बताया आपको, उसको फर्जी बना रखा है, जो असली सेक्रेटरी थे उनको तो भंग कर दिया। ब्रिजभूषण के पास भी ये ताकत नहीं है, जब तक इलेक्शन बिना करवाए वो ऐसे नहीं बदल सकता। और पूरी सभी का सपोर्ट है ना, हम इसमें कोई राजनीति कर रहे, सभी यहाँ खाप पंचायतें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, वो हमें
रेसलिंग को सपोर्ट करने के लिए, जो अपने बच्चों का भविष्य उसको बचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है कि भाई कोई राजनीति दल आ रहा है तो वो हम बीजेपी के लोगों का भी वेलकम है। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि हम खुद बोल रहे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, आप भी हमारा समर्थन कीजिए, क्योंकि पीएम से बात की कोई हमें देखिए हम अभी अभी किसी से बात नहीं हुई है कि स्पोर्ट्स मंत्रालय के कुछ लोग आए थे और पहले तो स्पोर्ट्स मंत्रालय के भी कोई कई लोग हैं जो बच्चों को डराया जा रहा है, नाम उनके डिस्क्लोज किए जा रहे हैं। तो ये जो एक कितना सेंसिटिव मुद्दा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आदेश दिए हैं कि भाई किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और उसके बावजूद कमेटी में जो जो लड़कियों ने बयान दे रखे हैं ना, एक एक बाहर आदमी को कैसे पता चली, इस बात का कौन हिसाब देगा? हमने तो आप जाके बताई नहीं, लड़कियों ने तो जाके बताया नहीं, वीडियोस बन रही हैं यूट्यूब पे और एक एक बयान बता रहा है कि उस लड़की ने ये दिया, उस लड़की ने ये दिया, वो भी तोड़ मरोड़ के। मन में डर बैठ रहा है, हालांकि हमारे पहलवान जो दुनिया भर में सबको पटखनी देते हैं, उनके मन में कोई डर बैठ रहा है किसी चीज? देखिए हम जितने सीनियर हैं हम में वो डर नहीं है, उस डर से निकल के यहाँ आगे आए थे। लेकिन फैमिलीज में बिल्कुल डर है कि पता नहीं बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप लोगों ने मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया है, या जो और बाकी जो रेसलिंग में डालने वाले जो लोग हैं उनकी फैमिली का डर है कि अगर ये बच्चे हार गए तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो वो डर, भविष्य का डर जरूर है किसी को, लेकिन अभी हम लोग तो जो जितने बैठे हैं एथलीट वो डर से बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। बस वो है एक लाचारी महसूस होती है खुद में कि हम इतने बड़े एथलीट जो इतने सब मेडल लेके आए हैं, हमारे बस में कुछ क्यों नहीं हो सकता, कि हम इतना कौन बड़ा आदमी होगा कि मतलब खिलाड़ियों के आत्मसम्मान से भी बड़ी चीज। एग्जैक्टली यही चीज, क्या क्या ऐसी इतनी बड़ी चीज है जो उसकी वजह से आपको लग रहा है इसका कोई समाधान नहीं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को भी बोलूंगा कि इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत की बेटियां जब मेडल लेके आती है तब सब इनके सम्मान में खड़े होते हैं। तो आप रोड पे बैठे तो आप लोग, आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। और जो जो मैंने आपको जिनके बारे में बताया है उनके हमारे पास सबूत है, ये नहीं कि भाई उनको हम ऐसे ही बता रहे कि वो लड़कियों को धमका रहे हैं, पैसे लेके पहुंच रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास सबूत के साथ है। और ये हमारे 360 के प्रधान जी हैं जिन्होंने समर्थन भी किया हम बच्चों को, तो ये आपको और थोड़ा सा बता सकते हैं। देखिए इसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष वो है जो दोषी है और वो पक्ष वो खुद आपने देखा होगा कि टीवी चैनल के माध्यम से उसने कबूल किया कि मैंने एक हत्या की है, और दूसरी तरफ वो पक्ष है जो देश का गौरव है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो इसमें तो कहीं कोई क्रेडिबिलिटी का सवाल ही नहीं आता। इसमें आप खुद सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जिस तरीके से देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश के खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में कौन सुरक्षित रह सकता है। तो जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेकर इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और पूरे उत्तर भारत की खापे किसान संगठन सभी समाज इनके साथ। तो देखिए पहली बार तो सबकी तरफ से कहा गया था कि राजनीतिक बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इस बार जो साथ आए उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि जो वादे किए गए थे ऐसा हुआ नहीं। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो कम से कम इनकी बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर। हालांकि हर बीतते दिन हर बीतते घंटे के साथ आप समझ लीजिए कि भारत के खिलाड़ी अगर इस तरीके से विरोध के मैट पर बैठे हों तो नुकसान देश का ही हो रहा होता है।